तो जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि मैं आप लोग के लिए टीवीएस रेडर 125 का ओनरशिप रिव्यू लेके आऊंगा, मतलब मेरे साथ ओनर आएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल इस बाइक को खरीदा है, उनको ये बाइक कैसी लगी है, क्यों खरीदी है उन्होंने बाइक, चलाने के बाद उनको क्या अच्छाइयां क्या कमियां पता चली हैं, सारी चीजें जानते हैं आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो अगर आप लोग इस बाइक को खरीदना चाहते हैं और जानना चाहते हैं एक ओनर के मुंह से कि क्या फील होता है, क्या खरीदने के बाद क्या अच्छाइयां क्या कमियां उनको ये बाइक के बारे में पता चल गई हैं, तो जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, सारी डिटेल्स जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए बुलाते हैं इस बाइक के ओनर को, जिनका नाम है चंदन मिश्रा जी, जो दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में एक बिजनेस चलाते हैं। पूछते हैं उनसे कि उन्होंने बाइक क्यों खरीदी है। हेलो चंदन जी, कैसे हैं आप? तो आपने ये बाइक जो खरीदी है उसके बारे में आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, जो ऑडियंस को बताना चाहता हूं। तो जरा बताइए कि आपको ये बाइक सारी क्यों पसंद आई है, उसके बारे में हम लोग कुछ सवाल शुरू करते हैं, आप लोग के सारे सवाल क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सारे सवालों के बारे में कि भाई इन्होंने जो बाइक खरीदी है चंदन जी ने, ये बाइक क्यों खरीदी है, इनको क्या पसंद आया है। तो चंदन जी, जब आपने ये बाइक खरीदी है टीवीएस की, तो आपने सिर्फ टीवीएस की ही यही रेडर बाइक क्यों खरीदी है? ये बाइक तो पहले अभी नई आई है इंडस्ट्री के अंदर, इसके तो कोई रिव्यूज भी नहीं है मार्केट के अंदर, तो आप लोगों ने इस बाइक को क्यों खरीदा है, आपको क्या सोच के आपने इस बाइक को खरीदा है? सबसे पहले तो इस कॉस्ट में सबसे एक्सपेंसिव बाइक, यंग जनरेशन को इस टाइम सबसे बेसिक चाहिए होता लुक, और इस पैसे में सबसे ज़्यादा लुक कोई देने वाली है तो ये। अब इससे पहले मैं रॉयल इनफील्ड को टेस्ट ड्राइव करके आया, बकायदा बुक भी करके आया हूँ। रॉयल इनफील्ड के बाद किसी दोस्तों ने सलाह दिया, हाथी लेना आसान है, फिर उसके बाद उसका पालना मुश्किल हो जाता है, सिंपल सी बात है, ले तो किसी को भी लेके आ जाओगे। फिर उसके बाद मैं होंडा साइन पे गया, होंडा साइन की भी टेस्ट ड्राइव करी, होंडा साइन चलाने के बाद ऐसा लगा जैसे नॉर्मल 50 की एज का बंदा चला रहा हो। अच्छा, कंप्यूटर बाइक लगती है, होंडा साइन जो है कंप्यूटर बाइक लगती है, स्टाइलिंग भी इतनी एडवांस वाली नहीं है। ऐसा आदमी दे रहा फिर भी 50 की एज का लगेगा, क्यों लेगा? फिर सिंपल सा जैसे ही मैंने इसकी फ़ोटो देखी होगी, मुझे पता चला कि किस शोरूम पे खड़ी है, बस पैसे लेके पहुंच गए। तो इन्होंने इस तरीके से बाइक खरीदी है, सबसे पहली चीज़ तो उनको पसंद आई है वो इनका लुक्स ही बता रहे हैं कि भाई इनको एक यंग जनरेशन की तरह हैं ये, तो इनको यंग जनरेशन वाला दिखना है, इनको 50 साल वाला शाइन चलाता हुआ वाला इंसान नहीं चाहिए। तो इसका सब पहला जो इनका पॉइंट था इसको लेने का, वो इसके लुक्स थे, क्योंकि ये बाइक नई आई है तो सबसे पहली चीज़ अट्रैक्ट करी है इनको वो है इस बाइक की लुक्स। दूसरी चीज़ जो इनको पसंद आई है, भाई आपने जब इस बाइक को लिया तो आपने बताया कि इसको शाइन से कंपैरिजन किया था, तो क्या आपने शाइन को चला कर देखा था और इसको चला कर देखा था, दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आया? सर दोनों चीज़ों में जो डिफरेंसेस है, अब टीवीएस आपको भी पता है, सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है, इसके जितने भी पार्ट्स हैं सब कुछ इंडियन पार्ट्स। इंडियन कोरोना टाइम में आपको क्या हुआ था, जितने भी विदेशी कंपनियों के माल थे वो आने जाने बंद हो गए थे, ठीक है। अब मेरे को खुदा ना खास्ता कल को कोई भी दिक्कत या परेशानी आए तो मैं अपनी कंट्री से अपने गाड़ी के पार्ट्स मंगवा तो सकता हूँ, ले तो सकता हूँ, ठीक है। तो भाई इंडियन है, हम इंडियन है तो हमने इंडियन बाइक को ज़्यादा प्रेफर किया है, कंपैरिजन करते हैं अगर बाकी बाइक से, होंडा जो है वो बाहर की कंपनी है, तो होंडा को चलाने के बाद क्या फ़र्क पड़ा चला आपको? दोनों ही बाइक 125cc की है, तो क्या फ़र्क पड़ा चला? इसका जो पिकअप है हाईली उठ जाता है, ठीक है, इसमें आपको मोड्स ऑप्शन मिल गया। अगर मैं जैसे कि रसली चलाता हूँ, मुझे माइलेज से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं बुलेट लूँ चाहे ये लूँ, तो मुझे माइलेज डिपेंड नहीं करती, पर सर्विस मेंटेनेंस ये सब जरूर मैटर करता है। पैसा तो एक बार को ब्लॉक होता है पर मेंटेनेंस भी आ जाती है। इसमें क्या है, लो मेंटेनेंस, इसकी जो सर्विस है, आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ देखी होंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 4000 किलोमीटर या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद इस तरीके से सर्विस हो रही। ये पहली बाइक मुझे ऐसी लगी जिसकी जो सर्विस में इतना लंबा टाइम है, नहीं तो अभी तक की जितनी भी बाइकें आप देख लो इनमें क्या है कि 500 से 750 किलोमीटर चल जाए, 2 महीना पूरा हो जाए, 2000 किलो पे कराओ, पर कराते ही रहो, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 4000 किलोमीटर या आपके 4-5 महीने, तो मेरा तो 4-5 महीने में होने, 4000 किलोमीटर तो चलना नहीं, ठीक है। तो इनको जो लगा है, इन्होंने कहा है कि भाई इंडियन गाड़ी है और इसकी मेंटेनेंस जो है वो सस्ती है, जब इन्होंने पता किया शोरूम में जाके, तो मेंटेनेंस इनको बाकी बाइक के कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती दिखाई दे रही थी, क्योंकि इंडिया में बनने वाले स्पेयर पार्ट्स हैं और इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए इन्होंने टीवीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है बाकी बाइक के कंपैरिजन में। लेकिन मेंटेनेंस की जहां तक बात हो रही है, तो एक मेंटेनेंस तो बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है बाइक को खरीदने के लिए, लेकिन एक और चीज़ होती है, बट आपके लिए क्या माइलेज मैटर करता है? कंपनी को, आप जब आपने इस बाइक को चलाया है तो आपको कितना माइलेज मिला है? क्योंकि अभी तो आपने इस बाइक को 1 हफ्ते पहले ही खरीदा है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है आपको इस बाइक को चलाते हुए, लेकिन फिर भी आपको जो माइलेज मिल रहा है वो आपके क्या हिसाब से कितना माइलेज आ रहा है आपको? 40 किलोमीटर की अभी माइलेज मिली है मुझे। तो मीटर में जो माइलेज दिख रहा है वो 40 किलोमीटर का मिल रहा है, तो जो आपको 40 किलोमीटर का माइलेज मिला है, गाड़ी लिया उसका कार्बोरेटर भी ढंग से नहीं चला हुआ हो। अच्छा, और लगभग मैं इसे 105 पे चला चुका हूँ। ठीक है, आप 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी चला चुके हैं इस बाइक की, तो आपको टॉप स्पीड भी अच्छी लग रही है, चलाने में बाइक अच्छी लग रही है, लेकिन आपका एक्चुअल में क्या माइलेज आया, कुछ आपने इसको नोट किया या फिर आपने अभी नोटिस ही नहीं? मैंने अभी कोई नोट नहीं किया, टंकी पूरी फुल पड़ी है। ठीक है, अभी एक भी सुई पेट्रोल की नीचे नहीं गई है, पूरी की पूरी फुल पड़ी हुई है,
टोटल गाड़ी ये 70 किलोमीटर चली है मेरी, 70 भी नहीं 63 किलोमीटर चली है। किलोमीटर बाइक चली है तो उसमें ज्यादा आपको माइलेज नहीं पता चलेगा, बाकी बाइक चलने में अच्छी है। मीटर में दिखा रहा है कि 40 का माइलेज दे चुका है। तो ये चीज इनके हिसाब से सबसे बड़ा पॉइंट था इस बाइक को लेने के लिए कि इसमें आपको लुक्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इंडियन चीज है और इसमें आपको मेंटेनेंस सस्ती पड़ती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि परफॉर्मेंस वाइज, तो परफॉर्मेंस आपके लिए एक बहुत बड़ा मैटर था जो आपने शाइन के ऊपर इसको कंपैरिजन किया है, आपको ज्यादा पसंद आई है। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी और क्या इसकी एक्चुअल रियलिटी है, दोनों में सेम है या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा रखी थी आपने? नहीं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जिस गाड़ी को जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे ही इसके फोटो मेरे दोस्तों ने मुझे जैसे ही शेयर किया और जैसे ही मुझे इसका एक्स शोरूम पता चला 87,000, मैं विद इन सेकंड टाइम वेट किया होगा कि मैं किस शोरूम पे मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगा बस। ठीक है, तो हम भाई दिल्ली में रहते हैं, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, तो भाई दिल्ली में रहते हैं तो आपको ये बाइक जो पड़ी है वो ऑन रोड कितने की पड़ी है, एक्स शोरूम क्या बता रहे थे, क्या प्राइस आप? 87,000 एक्स शोरूम है और जो ऑन रोड पड़ी है 101,240 रुपए। 101,240 रुपए का ऑन रोड भाई को प्राइस पड़ गया है। आपने कुछ में एक्स्ट्रा लगवाया है? नहीं, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, मैं मॉडिफाई नहीं करवाता, एक साल बाद दूसरी गाड़ी आ जाती है मेरे पास। मतलब बाइक जो है वो फ्रीक्वेंटली बदलते हैं और एक यंग जनरेशन वाले बंदे हैं जिन्होंने अपने लिए बाइक ऐसी खरीदी है जो इनको 50 साल वाला ना बनाए, इनको यंग बनाए, और इनके लिए ये बाइक काफी सुटेबल थी तो इसलिए इन्होंने ये बाइक खरीदी है। आइए कुछ और सवालों के बारे में बात करते हैं भाई। तो अभी तक तो आप लोगों ने सुन लिया कि चंदन जी को इस बाइक के बारे में बहुत सारी चीजें पसंद आई है, उन्होंने कंपैरिजन भी कर लिया, रॉयल एनफील्ड के आगे भी इस बाइक को बुक कर लिया है क्योंकि मेंटेनेंस सस्ती है, होंडा के सामने भी इस बाइक को प्रीफर कर लिया है क्योंकि ये इंडियन है, हमारा इंडियन बाइक है, जहाँ पे आपको अच्छा मेंटेनेंस भी मिलेगी, सस्ती मेंटेनेंस मिलेगी, स्पेयर पार्ट जल्दी मिल जाते हैं, ये भी उनका एक पॉइंट था। लेकिन अब बात करते हैं कि इस बाइक में टीवीएस ने कुछ ऐसे फीचर्स दे दिए हैं जो बाकी सेगमेंट के हिसाब से थोड़े से अलग फीचर है। जैसे इस बाइक में आपको यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, तो यूएसबी पोर्ट आपके हिसाब से जब आपने बाइक को खरीदा था तो आपने खाली फोटो देख के बाइक को खरीद लिया था, लेकिन आपने जब इस बाइक को चलाया है तो आपने कितना यूएसबी पोर्ट को यूज़ किया है या फिर आपने राइडिंग मोड्स को कितना यूज़ किया है, क्या ये आपके लिए मैटर करता है या फिर आपके लिए मैटर ही नहीं करता इस चीज़ें? ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करता, बट जो यंग जनरेशन है उनके लिए ज़रूर करता है, जैसे कि जिनको घर भी चलाना है और कमाना भी और स्टाइल भी, दोनों तीनों चीज़ें ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बट इस कंपनी ने तीनों चीज़ें दे दी। अब मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लुक चाहिए, मैं लुक के चक्कर में इसको लेके चलाया, बट देन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इसकी जो मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें ये भी मेरे लिए अफोर्ड करती है, आगे इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ही काम देगा, अभी तो सिंगल है, आगे तो डबल होएंगे। तो ये भी बात है। तो लेकिन अभी आपने इस पे फिलियन को बैठ के राइड किया है, आपने कोई अपने फैमिली में किसी को बैठाया हो, फ्रेंड को बैठाया हो? अभी तक का रिकॉर्ड है किसी को भी नहीं बैठा, अभी किसी को बैठा के चलाया नहीं, तो आपको फिलियन का रिव्यू नहीं मिल पाएगा कि फिलियन का कंफर्ट किस तरीके से है। लेकिन आपने तारीफ बहुत सुन ली चंदन जी से, उनकी बाइक है, तारीफ तो करनी बनती है, लेकिन क्या कमियां हैं आपके साथ चंदन जी, आपको क्या पसंद आया है क्या नहीं पसंद आया है, जरा ये बात जरूर बताइएगा ऑडियंस को कि आपको क्या चीज़ें कमी लगी हैं जो इस बाइक के अंदर इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कुछ कमियां हैं, जरा वो बता दीजिए। ओनली इंडिकेटर का जो मुझे लगा, इसमें अगर एलईडी इंडिकेटर होता इसका मजा कुछ अलग ही होता, बट पहली सर्विस से पहले मैं खुद ही से एलईडी करवा दूंगा, कंपनी ने करके नहीं दिया तो कोई बात नहीं, पर मैं जरूर करवा दूँ। ठीक है, चंदन जी जो है बाहर से ही एलईडी इंडिकेटर लगा लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट है एलईडी इंडिकेटर। हिमालयन वाली वीडियो में मैंने कहा था कि एलईडी इंडिकेटर नहीं है, क्लासिक की वीडियो में मैंने कहा था, लेकिन लोगों ने कहा था भाई एलईडी इंडिकेटर की क्या जरूरत है, तो आपके सामने जरूरत खड़ी है, चंदन जी को एलईडी इंडिकेटर चाहिए, इतने पैसे खर्च कर दिए हैं 1,00,000 रुपए, तो भाई तब भी एलईडी इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग है, तो ये चीज़ उनको बाहर से लगवा लेंगे। अब जानते हैं उनसे, उनके 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 सवालों से जानते हैं, उनके जवाब से जानते हैं कि क्या ये बाइक किसी को रेफर करेंगे, अगर कोई बाइक खरीदना चाहता है तो क्यों रेफर करेंगे, उसकी क्या वजह है, और क्यों रेफर नहीं करेंगे उसकी भी अगर कोई वजह है तो वो भी हमारे ऑडियंस को आप सामने बता दीजिए। अभी तक तो मना करने की कोई वजह नहीं है, और जब से आई है जितने भी फ्रेंड है जिन्होंने भी पूछ रहे हैं, मैं सबको कॉल ही कर रहा हूँ, हर डीलर पर पता करवा रहा हूँ कहाँ पर गाड़ी मिल सकती है किसी को, और जहाँ भी पता कर रहा हूँ हर जगह बुकिंग पे ही है गाड़ी। अभी भी 7-8 फ्रेंड्स ऐसे हैं कि पैसा लेके बैठे हैं। तो मतलब इसकी जवाब उन्होंने बाइक ये खरीदी है तो आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ा है, क्योंकि 40 किलोमीटर जो अभी आपको मैंने दिखाया, 63 किलोमीटर टोटल चली है, जिसमें से मैंने ज़्यादा 20-22 किलोमीटर चलाया, बाकी तो फ्रेंडों ने चलाया, फ्रेंड से ज्यादा इस बाइक को चलाया, तो इनमें से कोई फ्रेंड इन्फ्लुएंस हो गया है जो बाइक? 4-5 ने पेमेंट मेरे पास आ चुकी है, 4-5 की पेमेंट आ चुकी है, मतलब मेरी बाइक चल गई मुझे खरीदवा दो, उतनी पसंद आ चुकी है बाइक। तो भैया बाइक बहुत जबरदस्त है, अट्रैक्टिव है, कमाल का कॉम्बिनेशन है, ऑफिस वाले हो चाहे कॉलेज वाले हो चाहे हमारे बिजनेसमैन हो, सबको ये बाइक पसंद आ रही है, तो एक कमाल का पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। भाई ने अभी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं करी है, बाकी मीटर में 40 का बताया जा रहा है, कंपनी जो है 60-70 क्लेम कर रही है 125 सीसी के हिसाब से, बाकी रियल में क्या है वो तो आपको आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा जब मैं इस बाइक को राइड करके आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये बाइक अच्छी लगी है, आप किसी को रेफर करेंगे, लेकिन कोई वजह नहीं है जिसके लिए आप लोग रेफर नहीं करेंगे? नहीं, अभी तक ऐसी कोई वजह नहीं आई है,
और TVS पे तो मुझे शुरू से ही भरोसा रहा है और पिछले 7 सालों से TVS का ही कस्टमर हूँ। लेकिन हीरो भी तो है 125cc के अंदर जो आता है, जो ग्लैमर आती है, वो आपने नहीं देखी, वो आपने कंपैरिजन नहीं किया, वो भी इंडियन है? हीरो पे तो मैं जाता ही नहीं कभी, हीरो पे जाते ही नहीं है। जब टायर ही हमारा यूज कर रहे हैं तो इंजन किसका यूज करेंगे? मतलब TVS वाला ही इंजन टायर यूज कर रहे हैं तो इसलिए वो जाते ही नहीं है। तो उनका ये कहना है कि वो हीरो हमारे इंडियन है लेकिन वो उनको पसंद नहीं है क्योंकि उसमें अंकल वाली जो है 50 साल के लगते हैं, तो ये भी एक वजह है। तो बस यही था एक ओनरशिप रिव्यू जहाँ पे चंदन जी ने बताया है अपने एक्सपीरियंस के बारे में। और कोई कुछ कहना चाहते हैं आप ऑडियंस से, हमारे आपको खरीदी चाहिए नहीं खरीदी चाहिए? नहीं कहना चाहूँगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। मेरी तरह शौकीन है या ना भी है, माइलेज भी चाहिए, लुक भी चाहिए, तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सीधा शोरूम पहुँचो और ले जाओ गाड़ी। तो बस यही था आज की इस वीडियो में जहाँ पे मैंने चंदन जी के घर के पास आके इस बाइक को शूट किया है। लोकेशन आपको वो डेजर्ट वाली नहीं मिल पाएगी क्योंकि एक स्ट्रीट बाइक है, तो स्ट्रीट पर हम शूट कर रहे हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, चंदन जी का स्पेशल अपीयरेंस पसंद आया हो, कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपको ये बाइक पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक बटन दबा के लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट देखना चाहते हैं तो एक बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच चंदन जी, आप मोटोनॉमिक्स पे आए हैं। मिलते हैं आपसे किसी और बाइक के साथ कभी, और अगर आप बाइक लेते हैं तो हम आपके पास आएंगे। ये मेरे पास हर साल नहीं, हर साल नई बाइक मिलती है चंदन जी के पास, तो आप इनको वीडियोस में देखते ही रहेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।